बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गले का बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपके पास प्रिंटेड ड्रेस है, यानी कि फूलों वाला ड्रेस है या कोई भी प्रिंट वाला ड्रेस है, आपको फौरी तौर पर समझ नहीं आ रहा कि हम इसको क्या लुक देंगे, तो जो गला मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है फ़ौरन बनने वाला गला। और ये बहुत सिंपल भी लगता है और मगर बहुत ज़्यादा एलिगेंट भी लगता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही डिटेल के साथ शेयर करूंगी और ये भी बताऊं कि आजकल जो प्रिंटेड ड्रेस हैं ये बहुत ज्यादा फैशन में है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं गले का डिजाइन। तो गला बनाने से पहले आपने अपने ड्रेस में सिर्फ एक चीज़ नोट करनी है, आपने उसमें से कोई भी एक कलर चूज़ करना है। कोई भी कलर आ रहा हो आप उसमें से एक कलर लेंगे और उसका डिज़ाइन अपने ड्रेस के ऊपर करेंगे, क्योंकि जो इस तरह के मल्टी ड्रेसेस होते हैं, फूलों वाले ड्रेसेस होते हैं, उसके ऊपर सिंपल डिज़ाइनिंग, सिंपल कपड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इसमें चूज़ करूँगी ब्लैक कलर, तो हमें करनी है ब्लैक कलर की डिज़ाइनिंग। तो फिलहाल हम अपने इस कपड़े को साइड करेंगे और गला रेडी करेंगे। तो हमें लेना होगा एक बुकरम का पीस, मैंने इसे इस तरह फोल्ड में रखा हुआ है। मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बताती हूँ। इसकी लंबाई मैंने ली है 17 इंच, इसकी चौड़ाई मैंने ली है 4.5 इंच। हम गले का निशान लगाएंगे 3 इंच पर, दूसरा निशान भी हम इसका 3 इंच पर लगाएंगे और इन दोनों निशानों को हम सीधा करेंगे। अब अपने साइज़ के हिसाब से गला बनाएंगे। मैं अपने साइज़ के हिसाब से गला बना रही हूँ। एक निशान हम इसका लगाएंगे सेम वही 6 इंच पर, अब हमारा इस तरह का एक बॉक्स रेडी हो गया है। हमने अपना इंची टेप इस कोन नोक पे रखना है, इस वाली नोक के ऊपर रखना है और 1 इंच पर निशान लगाना है। इस निशान को इस निशान से मिलाते हुए शेप देंगे। तो ये हो गया हमारा गोल गला। अब सेंटर बनाएंगे इसका। अब निशान लगाएंगे कि हमें कितने इंच की पट्टी नीचे उतारनी है। तो मैं इसका निशान लगाऊंगी 16.5 इंच पर। अब हमने तो मैं 1.25 इंच कर लेती हूँ। 1 इंच अब पहले हम इसका एक्स्ट्रा बुकरम कट करेंगे। तो एक्स्ट्रा बुकरम मैंने कट कर लिया है। अब इसका गोल गला कट करेंगे और आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसके अंदर क्या डिजाइनिंग करनी है। अब आपने बुकरम की पट्टी को कट नहीं करना, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी। अब मैं आपको एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर, ब्लैक कपड़े के ऊपर चिपका के बताती हूँ कि हम इस पर क्या कर लुक देंगे। तो एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर बुकरम मैंने चिपका लिया है और बहुत अच्छे से बुकरम चिपकाना है, क्योंकि डिज़ाइनिंग करते वक्त हमारा बुकरम जो है वो उखड़ना नहीं चाहिए। अगर हमारा आपने इसे नीट करने के लिए फैब्रिक ग्लू लेनी है। फैब्रिक ग्लू नहीं हो तो ग्लू स्टिक भी ले सकते हैं। बहुत ही हल्की क्वांटिटी में इस पर हम लगा देंगे। बस हमने सिर्फ अटैच करना है, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है तो आप इस पर वाटर शावर लगाकर प्रेस की मदद से भी इसे चिपका सकते हैं। अब इसे अपने कपड़े के ऊपर अटैच करेंगे और फिर मैं आगे चल के बताऊंगी कि हमने इसे कौन सी सिलाइयाँ लगानी है ब्लैक के ऊपर।
अब आपकी जो शर्ट होगी उसका सीधा साइड जो होगा वो नीचे की साइड होगा और जो उल्टा वाला साइड होगा उसके ऊपर हम लगाएंगे इस गले को। तो अब जब हम गले को पलटेंगे तो हमारा गला कमीज़ के सीधे साइड पर आ जाएगा। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे ब्लैक धागे से सिलाई। तो मैंने गले के ऊपर ब्लैक धागे से सिलाई लगा ली है। अब इस पॉइंट पर आकर आपको ये डिसाइड करना है कि हमारे फैब्रिक में कौन सा कलर है जिससे हमें इसके ऊपर सिलाइयाँ लगानी हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने डिसाइड किया है ये धानी कलर, यानी कि इसके बीच में ये येलो कलर आ रहा था। आप चाहें तो अपने ड्रेस के हिसाब से कोई भी दो कलर या तीन कलर भी ले सकते हैं। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे अपने निडल में ये दोनों धागे एक साथ पकड़ कर, और उसके ऊपर मैं आपको सिलाइयाँ लगाने बताऊंगी। एक ही सिलाई में हमने अपना पूरा गला कवर करना है, हमने अपनी सिलाइयों को बीच में कट नहीं करना। तो मैंने निडल के अंदर से इन दोनों धागों को गुजार लिया है। अब हमने सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है इस फाइनल वाली सिलाई से। तो ये लीजिए, मैंने सारे गले के ऊपर सिलाइयाँ लगा ली हैं और ये है इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल सी लुक आपके सामने है। ये है फौरन झटपट बनने वाला गला, और बनने के बाद पहनने के बाद ये बहुत ज़्यादा डिसेंट लगता है। तो आपने मुझे बताना है आपको आज का गला कैसा लगा। इस गले में उम्र का कोई हिसाब नहीं है, छोटी बच्ची का बनाएं, टीन एज का बनाएं, या आप अपने बड़ों के लिए बनाएं, जो भी पहनेगा इसे बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आएगी। मैंने इसे गोल में बनाया है, चॉइस आपके ऊपर है। कोई भी चॉइस का आप अपना गला कट कर सकते हैं, जो गला आप पहनना पसंद करेंगे। बस आपने इस बूट के ऊपर ध्यान देना है, इसके हिसाब से आपने इस पर सिलाइयाँ लगाते जाना है। तो आपने मुझे बताना है कि प्रिंटेड ड्रेस के ऊपर आपको ये गला कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम को लाजमी फॉलो करना है। आप उस पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं, और देखिएगा ईद के इस हवाले से बहुत ही अच्छे अच्छे से डिज़ाइन उस पर मौजूद हैं। मैं आपसे मिलूँगी फिर एक नई वीडियो एक नए आइडियाज़ के साथ। अगर आप इसको और ज़्यादा खूबसूरत करना चाहें तो इसके बीच में पल मोती भी लगा सकते हैं या बटन भी लगा सकते हैं। अगर सिंपल छोड़ना है तो आप इसको सिंपल भी छोड़ सकते हैं, ये वैसे ही इतनी नफीस लुक दे रहा है। तो मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्द, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।